कृष्णा कृष्णाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैता गदाधर शिव सदि पार्वतवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरानिताय गौरनिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपा जय शील प्रभुपा नित गौर हरिबोल 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 नित गौर हरिबोल प्रणाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे कृष्ण भगवान इस भगवत धाम को भगवत धाम के लिए चले जाते हैं इस जगत को छोड़ के और अर्जुन ये सारी जो चीजें हैं ये युधिष्ठिर महाराज से सुनता है तो उसके सुनने के बाद में फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है Just a minute.
हम लोग आज चालू करेंगे। तो आज हम देखते हैं कैसे अर्जुन कृष्ण जब भगवत धाम चले जाते हैं तो वो क्या सोचता है, कैसे अपने दुख को व्यक्त करता है, और उसके बाद कैसे युधिष्ठिर महाराज वो भी वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग सुनेंगे। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात सितारणे वाचा कल्पद्रुवशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कंच राधा कंच नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय नियतनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। यश्चप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो पिछले अध्याय में हम लोग देख रहे थे कैसे युधिष्ठिर महाराज अलग अलग कारण पूछते हैं अर्जुन के दुख के, और अंत में जब वो पूछते हैं क्या कृष्ण भगवत धाम लौट गए, तो फिर अर्जुन क्या होता है, अर्जुन क्या करता है इस चैप्टर में, वो प्रतिक्रिया से चालू होता है। कृष्ण से विनय विरह के कारण अर्जुन कुछ भी बोलने में लगभग अक्षम हो जाता है। हृदय उसका पूरा सूखा हुआ था, मुंह भी पूरा सूखा हुआ था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। लेकिन उत्तर तो देना ही था, तो किसी तरह से उत्तर देने की शक्ति उसने संग्रहित की और फिर उत्तर देना चालू किया। तो अर्जुन इस तरह से बोलता है युधिष्ठिर महाराज को, वांछितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मैं अपहृतम तेजो देवस्मा पनम महत। अर्जुन कहता है कि हे महाराज युधिष्ठिर, वो हरि हरिणा बंधु रूपिणा, तो वो हरि जो हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमको छोड़ के चले गए ना। येन मे अपहृतम तेजो, तो मेरा वो चे तेज जिसने क्या किया था, देवे विस्मापनम महत, बड़े बड़े देवताओं को चौंकाया हुआ था, आज वो शक्ति भी मेरे पास नहीं है। तो हम देखते हैं अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न किया था और अपने युद्ध शक्ति कौशल द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके उनसे पशुपति का आश्चर्य प्राप्त किया था। तो शिव जी भी बड़े आश्चर्यचकित थे उसके स्वर को देख के। फिर जब चित्ररथ आदि ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो ये कब होता है, ये तब होता है जब 14 वर्ष के वनवास में थे सारे के सारे पांडव। तो उनको चिढ़ाने के लिए दुर्योधन, कर्ण,
आदि के साथ में, पूरी सेना के साथ में, जाजे बाजे के साथ में उस वन में प्रवेश कर रहा था जहां पर पांडव लोग रुके हुए थे उनको चढ़ाने के लिए, कि देखो तुम यहाँ पे वन में परेशान हो और मैं कितना भोग कर रहा हूँ। और उसी समय क्या होता है, जहां पे वो अपना टेंट गाड़ते हैं उसी के पास में एक सरोवर था, और दुर्योधन वहां पर पानी पीने के लिए जाता है। तो वहां पर जो यक्ष थे, बल्कि यक्षों के राजा थे चित्ररथ, तो चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि ये जो जल है सरोवर का, वो हम यक्षों द्वारा रक्षित है, इसलिए आप यहाँ का जल नहीं पी सकते हैं। दुर्योधन कहता है, अरे मैं दुर्योधन हूँ, मेरे पास कर्ण जैसे मित्र हैं जो कि बड़े शक्तिशाली धनुर्धर हैं, मुझे कौन रोक सकता है जल पीने से। और वो जल पी लेता है, और जैसे ही वो जल पीता है तो सारे के सारे जो यक्ष लोग थे उसको बंदी बना लेते हैं। उस समय कर्ण वहां पर आता है, लेकिन जब यक्षों के तीरों की बौछार होती है तो कर्ण भी वहां से भाग जाता है, और सारी की सारी सेना वहां तितर बितर होकर भाग जाती है। और ये सारा दृश्य भीम और अर्जुन देख रहे थे, तो भीम तो एकदम पूरे तरह से उल्लासित था। भीम कहने लगा, जो कार्य मुझे करना चाहिए था यक्ष लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो क्यों ना खुशखबरी युधिष्ठिर महाराज को सुनाई जाए। और जब वो युधिष्ठिर महाराज को खुशखबरी सुनाने जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज वो सुन के खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि भले ही जब झगड़ा हो रहा है तो हम 5 हैं वो 100 हैं, लेकिन बाहर से कोई भी आक्रमण करता है तो हमको 105 होना है, हमको अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। और भीम बोलता है, अरे बाप रे, नो क्या पागल आदमी है, किसके साथ में मैंने पंगा ले लिया ना। तो बोले कि ना, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। बोले नहीं, तुम लोग जाओ और उसकी रक्षा करो। तो फिर भीम और अर्जुन वहां पर जाते हैं, और अर्जुन अकेले ही चित्ररथ और सारे गंधर्वों को हरा देता है। अब ये गंधर्व मनुष्य नहीं है, ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने बड़े बड़े देवताओं को हराया हुआ था, लेकिन आज वही अर्जुन जब कृष्ण की आज्ञा पर कृष्ण की रानियों को लेकर द्वारका से हस्तिनापुर आ रहा था, तो जब वो ब्रजमंडल से निकलता है तो कुछ ग्वाले जो सिर्फ डंडी लेके आते हैं उसको हरा देते हैं। तो अर्जुन कहता है कि ये मेरा वही गांडीव धनुष है जिसके द्वारा मैंने बड़े बड़े देवताओं को पराजित किया है, और आज कुछ ग्वाले वो मुझसे कृष्ण की पत्नियां छीन के ले गए। हालांकि उसके पीछे भी कृष्ण का ही कोई इच्छा थी, क्योंकि ये जो कृष्ण की रानियां थी 16,100 रानियां, तो ये 16,100 रानियों का इच्छा थी कि वो व्रज के प्रेम का आस्वादन कर सके। तो इसलिए कृष्ण अरेंजमेंट करते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, व्रजमंडल में है, तो व्रजमंडल में आती हैं, उदय कुंड के निकट बैठती हैं, और उद्धव जी वहां पर प्रकट होते हैं और उनको व्रज की महिमा के बारे में बताते हैं। और फिर वहीं पर व्रजमंडल में सारी रानियां उदय कुंड में ही प्रवेश करके भगवत धामा पर चली जाती हैं। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि अभी मेरी शक्ति भी नहीं बची है, साधारण से ग्वालों ने मुझे हरा दिया, तो कहाँ है मेरी शक्ति? क्योंकि जो शक्तिमान है वही जब भगवत धाम चलेगा तो शक्ति कहाँ से बचेगी। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों को कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं उनकी सेवा के लिए, और जैसी सेवा खत्म हो जाती है कई बार शक्ति भी वापस ले ली जाती है। तो प्रभुपाद जी भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी, इसीलिए जो भी कार्य होता था उसका श्रेय दे देते भगवान कृष्ण को और अपने गुरु को। तो जब 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए गए, तो बीच में उनको 2 हार्ट अटैक हुए। वहां जाके उनको पता नहीं था दाएं जाना है बाएं जाना है,
उधर पे जाके शैली अग्रवाल के घर में जाके रहे, जहाँ पे वो मांस खाती थी, उसी फ्रिज में रूपा जी को अपनी सब्जियां रखनी पड़ती थी। जब वो प्रचार करने के लिए गए तो जो उनके पहले ऑडियंस थे वो ऐसे लोग थे जो हमेशा ड्रग्स लेके साथ ही आश्रम में रहा करते थे, कभी भी किसी को गोली मार दिया करते थे, तो ऐसे हिप्पी लोग उनके ऑडियंस थे। पर उसी से उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट चालू किया। जब पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार फैल गया तो एक भक्त ने एक बार रूपा जी को पूछा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने तो मात्र बंगाल और उड़ीसा में प्रचार किया, किंतु प्रभुपा जी आपका कहना क्या है, आपने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया है? तो प्रभुपा जी बोले, हाँ ये मेरे ऊपर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो चाहते तो अकेले ही पूरे विश्व में प्रचार कर सकते थे, किंतु कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को श्रेय देने में ज्यादा आनंद लेते हैं। जैसे कि भगवान राम चाहते तो बिना किसी की मदद के अब अकेले ही पूरी राक्षस सेना को नष्ट कर सकते थे, भगवान राम में वो क्षमता थी, किंतु अपने भक्त हनुमान को श्रेय देने के लिए वो क्या करते हैं, वो हनुमान जी को हीरो बना देते हैं। स्वयं जब वो इंद्रजीत के पास के द्वारा बंधे हुए थे तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो पूरा पूरा हिमालय पर्वत लेके आते हैं और उससे निकलने वाली जो बूटियां थी संजीवनी बूटी, उनसे भगवान राम वापस होश में आते हैं। तो इस तरह से भगवान राम ने हनुमान जी को रामायण का हीरो बनाया। उसी तरह जहां तक महाभारत की बात आती है तो भगवान चाहते तो अकेले ही दोनों सेनाओं को एक साथ हरा देते, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भगवान ने एक सारथी का रोल अदा किया ताकि अर्जुन हीरो बन सके। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को श्रेय देने में ज्यादा आनंद देते हैं। जैसे कि एक पिता को तब ज्यादा आनंद आता है जब उसका बेटा उससे ज्यादा आगे निकलता है ना, उससे ज्यादा कुछ करके दिखाता है। तो अर्जुन यहीं पे बोलता है, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, क्योंकि आप भगवत धाम वापस चले गए हैं तो मेरी वो शक्ति जिसने देवताओं को भी अचंभित किया किया हुआ था, आज एकदम बेकार सिद्ध हो रही है। और फिर वो कहता है, फिर अपना दुख व्यक्त करता है युधिष्ठिर महाराज के सामने। यस क्षण वियोगे ना लोको ही अप्रिय दर्शन उक्ते ना रह तो ये सा मृतका पोचते यथा। तो यहाँ पे वो उदाहरण देता है शरीर का, उत्तेना रहे तो ही ऐसा मृत का अप्रोचते यथा। तो जिस तरह से अगर शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो शरीर किसी भी उपयोग के लायक नहीं बचता है। तो उसी तरह से अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपसे एक क्षण का वियोग पूरे संसार को एक मृत शरीर जैसा प्रतीत होता है, या पूरा संसार एक भक्त के लिए मृत शरीर जैसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर कोई जान नहीं है। तो उसी तरह एक क्षण आपसे वियोग सहन करना बहुत मुश्किल है, पर अभी तो आप भगवत धाम वापस चले चले गए हैं कृष्ण, तो आपके बिना हम कैसे जी सकते हैं। और फिर वो कृष्ण की कृपा को याद करता है कि हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैंने उन सभी कामुक राजकुमारों को पराजित करके द्रौपदी का हाथ जीता। ये किसके कारण संभव था? ये आपकी दी हुई शक्ति के कारण संभव था। आपकी दी हुई शक्ति के कारण मैंने अग्निदेव की रक्षा की और माया दानव की सहायता से इंद्रप्रस्थ में एक बड़ा महल खड़ा किया। तो ये भी कथा महाभारत में आती है कि अग्निदेव के पेट में कुछ अपच हो गई थी, तो मतलब अग्निदेव के पेट में अपच हो सकती है। जनरली लोगों की जठर अग्नि जब मंद होती है तो अपच हो जाती है, लेकिन संसार का नियम ऐसा है कि वो अग्निदेव जो सबके पेट में
भोजन को पचाते हैं, उनके पेट में भी अपच हो जाती है। उनके पेट में जब अपच हो जाती है, क्या अग्नि काम करेगी? तो उनको कुछ औषधि खानी थी, तो वो औषधियां सबकी सब खांडवप्रस्थ नामक एक वन में थी। पर उस वन में तक्षक नाम का सर्प रहा करता था, और इस सर्प की दोस्ती थी इंद्रदेव के साथ। तो जब भी अग्निदेव उस वन को जलाने का प्रयास करते थे, तक्षक बोलता था इंद्रदेव को, और इंद्रदेव बारिश करके अग्नि को बुझा दिया करते थे। तो इस तरह से अग्निदेव बड़े परेशान थे कि पेट में अपच हो रही है। तो उनको मालूम था कि एक ही व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है कृष्ण। कृष्ण अभी भी धरातल पर हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए अग्निदेव जाते हैं कृष्ण के पास और आग्रह करते हैं कि हे भगवान, इन औषधियों द्वारा मेरा पेट ठीक हो सकता है, किंतु ये इंद्रदेव मुझे मुझे औषधि खाने नहीं दे रहे हैं। तब कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं ठीक है, हम अरेंजमेंट करेंगे। तो इस तरह से कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों खांडवप्रस्थ में जाते हैं और अग्निदेव इसको जलाने लगते हैं। और जब इंद्रदेव बारिश करते हैं, तो उस समय अर्जुन जो वहां पर उपस्थित था, वो उस बारिश को अपने तीरों के बने जाल से रोक देता है, और इंद्रदेव द्वारा भेजे गए सारे बादलों को यहाँ वहां तितर बितर कर देता है। और उस समय अग्निदेव उसको पचाने लगते हैं, और फिर उस खांडवप्रस्थ में जो बहुत सारे दानव रह रहे थे, वो वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे, और कृष्ण के आदेश पर अर्जुन एक एक करके सबको मार रहा था। किंतु एक दानव था जिसका नाम था मय दानव। तो मय दानव जब वहां से भागने का प्रयास करता है और अर्जुन उसको मारने का लक्ष्य साधते हैं, लक्ष्य को साधते हैं, तो मय दानव किसी तरह से मायावी शक्ति द्वारा वहां से भाग जाता है। उस समय कृष्ण अपना चक्र छोड़ते हैं मय दानव के पास, और मय दानव को पता था कि चक्र से अपने जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। किंतु कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो अगर मैं किसी भक्त के चरणों का शरण ले लूं तो मैं बच सकता हूँ। इस तरह से माया दानव सीधे आता है और अर्जुन की शरणागति, अर्जुन के शरणागत हो जाता है। अर्जुन उसको क्षमा कर देते हैं, और चक्र भी है, चक्र ने देखा भाई भक्त की शरण ली हुई है तो अब कैसे मार सकते हैं, चक्र भी वापस हो जाता है। तब माया दानव प्रसन्न हो जाता है अर्जुन से और बोलता है, मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो कृष्ण फिर अर्जुन से बोलते हैं कि आप उससे एक बहुत अच्छे सा महल बनवाइए, और वही महल अर्जुन क्या करते हैं, माया दानव से बनवाते हैं इंद्रप्रस्थ में। इस तरह से इंद्रप्रस्थ जो कि रेगिस्तान था, और रेगिस्तान होने के कारण ही धृतराष्ट्र ने वो जमीन पांडवों को दी हुई थी राज्य करने के लिए, किंतु वो अभी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बन जाती है। और मैदान वहां पर बहुत सुंदर सा महल खड़ा करता है, जिस पर गिर के ना, क्योंकि वहां पानी जमीन जैसा दिख रहा था, जमीन पानी जैसा, तो पानी को जमीन समझ के जब वहां पर दुर्योधन अपना पैर रखता है और पानी में गिर जाता है, तो द्रौपदी उस पर हंसती है, और उसी का बदला लेने के लिए बाद में दुर्योधन द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास करता है। तो समय हम देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने इंद्र को भी पराजित करके अग्निदेव की रक्षा की थी, कहाँ है वो शक्ति, ये सब आपसे ही मिली थी मुझे। आपकी शक्ति के कारण भीम ने जरासंध को हराया ना, वो जरासंध जिसने हजारों राजाओं को बंदी बनाया, वो जरासंध जो उन सबको महाभैरव के सामने बलि में चढ़ाने वाला था, तो उस जरासंध को भीम ने हराया। ये किसके कारण हुआ? ये आपकी शक्ति के कारण हुआ। आपके ही कारण जिन लोगों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, उन सब की पत्नियां विधवा बन गई, मतलब वो सब के सब मारे गए।
आपके कारण दुर्वासा मुनि के क्रोध से हम सबके सब बचे, तो ये कथा भी महाभारत में आती है कि जब दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। फिर दुर्वासा मुनि तो दुर्वासा मुनि है, क्षण में प्रसन्न है क्षण भर में गुस्सा, तो दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इस बार, कहते हैं जो वरदान चाहिए मांग लो मैं पूरा कर दूंगा। और क्योंकि दुर्योधन का हृदय द्वेष से भरा हुआ था, वो कहता है कि हमको आपसे क्या चाहिए, आपके जैसे जो पूज्य ऋषि हैं उनकी उपस्थिति मात्र से हमारा हस्तिनापुर पूरा का पूरा पवित्र हो गया है, किंतु क्योंकि मैं अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता हूं तो मैं चाहता हूं कि जैसा सुयोग आपने मुझे दिया है वही सुयोग आप युधिष्ठिर महाराज को भी दीजिए, किंतु अकेले मत जाइए सारे शिष्यों को साथ जाइए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को अतिथि सत्कार में बड़ा आनंद आता है। और दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था कि युधिष्ठिर महाराज तो वन में खुद खाने के लिए कितनी परेशानी होती होगी, दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को कैसे खिलाएंगे, और जब नहीं खिला पाएंगे तो दुर्वासा मुनि श्राप देंगे, और फिर तो कहना ही क्या है, जो मैं उनके साथ नहीं कर सकता वो दुर्वासा मुनि कर सकते हैं। तो इस योजना के साथ में दुर्योधन दुर्वासा मुनि को पांडवों के साथ पास भेजता है, लेकिन जब दुर्वासा मुनि वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते ही युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनको देखते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि मैं और मेरे सारे 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 शिष्य बहुत भूखे हैं, कृपया करके क्या करिए हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए। और उस समय द्रौपदी को एक पात्र मिला था जिसका नाम था अक्षय पात्र, जो कितने भी लोगों को भोजन कराने में सक्षम था, किंतु वो भोजन तब तक उत्पन्न करता था जब तक द्रौपदी ने उसको नहीं खाया हो या आप अपना भोजन नहीं किया हो। तो द्रौपदी पहले सबको खिलाती थी उसके बाद उसको भोजन करती थी। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो गए, ऐसा तो नहीं द्रौपदी ने खा लिया है। दौड़ के द्रौपदी के पास जाते हैं, बोलते हैं द्रौपदी अभी तुमने भोजन तो नहीं किया। द्रौपदी डकार लेती है, वो बोलती है अरे अभी अभी भोजन लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते अब क्या होगा, 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था एक क्षण में ऐसे कैसे संभव है। तो समय द्रौपदी और पांडव सबके सब कृष्ण को पुकारते हैं कि हे भगवान आप ही अब हमको बचा सकते हैं। और तुरंत कृष्ण जो कि द्वारका में थे अभी वहां पे उस क्षण भर में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, और वो भी द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए चाहिए। तो द्रौपदी और भी दुखी हो जाती है, कहते हैं भगवान अगर हम दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को नहीं खिला पाते और वो लोग हमको श्राप दे देते तो उतना दुख नहीं होता जितना कि आपको नहीं खिला पाने का दुख हमको हो रहा है। फिर भी कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो कुछ तो बचा होगा। तो कुछ थोड़ा सा भोजन का हिस्सा उस अक्षय पात्र में था, कृष्ण उसको लेते हैं और ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते ही डकार लेने लगते हैं जैसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, क्योंकि उसमें द्रौपदी का प्रेम था सारे पांडवों का प्रेम था। और जैसे ही वो डकार लेते हैं यहाँ पर दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य सबके सब डकार लेने लगते हैं जैसे कि अभी अभी बहुत खाया हो। और उधर पे कृष्ण भीम से कहते हैं कि जाओ और उन सबको बुला के लाओ। युधिष्ठिर महाराज भयभीत हो जाते हैं, अरे आप कह रहे हैं उनको बुला के लाइए, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है खाने की। लेकिन फिर भी क्योंकि भीम को कृष्ण पर बहुत भरोसा था, भीम दौड़ के गदा लेके दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को बुलाने के लिए वहां पर जाते हैं। और दुर्वासा मुनि जैसे ही देखते हैं कि भीम आ रहा है तो सारे के सारे शिष्यों से कहते हैं कि देखो जितना व्यक्ति खा सकता है भीम कम से कम 10 गुना उसका खिलाता है, और जब तक खिलाना ले तब तक चैन की सांस नहीं लेता है। तो मेरा तो पेट भरा है, मैं यहां से भाग रहा हूं, और तुम लोगों को भी अगर नहीं खाना तो यहां से भाग लो। तो उस तरह से दुर्वासा मुनि और सारे सारे 10,000 शिष्य वहां से गायब हो जाते हैं। तो क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो गए थे दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य भी संतुष्ट हो जाते हैं।
यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, और कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो उस तरह से कृष्ण ने दुर्वासा मुनि के कोप से पांडवों की रक्षा की, और फिर वो बताता है कैसे शिव जी को अचंभित करके अर्जुन ने उनसे पशुपति अस्त्र प्राप्त किया। शिव जी अर्जुन की धनुर्विद्या से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं। फिर अर्जुन स्वर्ग आदि लोकों में जाकर उसने अलग अलग देवताओं से अलग अलग अस्त्र ग्रहण किए। तो कृष्ण बोलता है ये सब कहां से संभव हुआ, अर्जुन बोलता है ये कहां से संभव हुआ, ये सब कृष्ण आपकी कृपा से संभव हुआ, आपकी कृपा से मैंने निवात कवच को मारा। तो एक और दानव था, जब कृष्ण और अर्जुन नर नारायण जी के रूप में थे तो एक राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर में 1000 कवच थे, और जब तक किसी व्यक्ति ने 1 साल तक तपस्या नहीं की है तब तक वो उस एक कवच को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन दूसरे कवच को तोड़ने के लिए फिर से 1 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब अगर किसी ने 1 साल तक अगर तपस्या की है तो एक कवच तोड़ पाएगा, और फिर तपस्या करने आएगा तब तक ये जो दानव है उसको मार देगा। तो क्या हो रहा था, जब नर नारायण ऋषि में जब नर 1 साल तक तपस्या कर देते, नारायण अपने तपोबल के द्वारा उसका एक कवच तोड़ते थे, और फिर नर युद्ध करने के लिए आते थे, और नर 1 साल युद्ध करके, हाँ, और 1 साल युद्ध भी करना पड़ेगा तब कवच टूटेगा, 1 साल तपस्या 1 साल युद्ध। और जब नर 1 साल तपस्या करके, नर 1 साल युद्ध करके उनको एक कवच तोड़ देते तब तक नारायण के 1 साल की तपस्या हो जाती थी। तो इस तरह से नर नारायण ऋषि अल्टरनेटली युद्ध करके और तपस्या करके, एक व्यक्ति युद्ध करके एक व्यक्ति तपस्या करके उसका एक एक कवच तोड़ रहे थे, और जब उसके शरीर में एक ही कवच बचता है तो वो जाके सूर्य में छिप जाता है, और वही राक्षस बाद में शिव का पुत्र, सूर्य का पुत्र बन के कर्ण के रूप में आता है, और उस कवच और कुंडल को हम लोग जैसे महाभारत के लीला में जानते हैं, इंद्रदेव उसको दान में ले लेते हैं कर्ण से, और उस तरह से कर्ण मारा जाता है। तो ये वो बोल रहा है कि तो उसको हमने कैसे मारा, अर्जुन बोला कि वो भी आपकी कृपा से ही था, आपके द्वारा दी हुई शक्ति से था, आपकी दी हुई शक्ति से मैंने सागर के समान दिखने वाली कौरव सेना को विराट के युद्ध में पराजित किया और विराट के राज्य को बचाया। तो ये भी कथा महाभारत में ही आती है, जब विराट के देश में अर्जुन ब्रहनल्ला बन के रुका हुआ था। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अर्जुन जब स्वर्ग में जाता है तो वहां पर इंद्रदेव अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए उर्वशी को भेजते हैं, और उर्वशी अर्जुन से आग्रह करती है कि आप हमसे भोग कर सकते हैं। अर्जुन मना कर देता है, कहता है कि आप हमारे जो पूर्वज राजा हुए हैं पुरूरवा, उनकी पत्नी थी, तो उस तरह से आप मेरी माँ हुई, माँ भी नहीं दादी और परदादी बोल लीजिए, तो आप तो मेरे माँ की कैटेगरी में आती है, मैं आपके साथ भोग नहीं कर सकता हूँ। तो उर्वशी कहते हैं नहीं, हम लोग अप्सरा हैं और हम हमेशा कुमारी रहते हैं, तो ना ही हम किसी की पत्नी बनते हैं ना किसी की बहन बनते हैं, हमारा कुमारत्व हमेशा भगवान की कृपा से वैसा का वैसा रहता है। फिर भी अर्जुन जब मना कर देता है तो उर्वशी को क्रोध आता है, और उर्वशी क्रोध करके अर्जुन को श्राप देती है कि जाके तुम नपुंसक बन जाओ, और 1 साल तक अर्जुन नपुंसक बन के रहता है ब्रहनल्ला बन के, और विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाता है। लेकिन जब कौरव सेना को, कौरवों को पता चलता है कि ये लोग विराट में छुपे हुए हैं, खासकर जब भीम खिचक को मारता है, तो वो सारी की सारी सेना एक साथ विराट पर हमला कर देती है, और अर्जुन उस समय अकेले ही
पूरी कौरव सेना को पराजित कर देता है। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन कहता है, वो शक्ति कहाँ से आई कृष्ण? वो शक्ति मात्र आपके कारण ही आई है, और कोई कारण नहीं है। आपकी शक्ति के कारण मैंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, भूरिश्रवा, सुश्रुमा, शल्य, जयद्रथ, वाहेल्य, इन जैसे महा महान योद्धाओं को पराजित किया है ना, और इनके अस्त्र शस्त्रों से आपने ही मेरी रक्षा की है। तो श्लोक इस तरह से आता है, यद् दोषु मा परिणीतम् गुरु भीष्म कर्ण नपितृर्य शल्य सैंधव बाहिलाग बाहिकाल दे अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नो पश प्रसुर नृहरि दासम इवासुराणि। हे भगवान, आपके कारण ही इन बड़े बड़े महारथियों के अस्त्र शस्त्र से मैं बचा रहा, और उनके अस्त्र शस्त्र मेरे बाल का भी बांका नहीं कर पाए, ये सब आपके कारण हुआ। जब भी मैं अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रथ से उतरता था, तब इन सब योद्धाओं ने मुझ पर हमला नहीं किया, ये सब किसके कारण हुआ? ये आपके कारण हुआ। तो इसलिए हे कृष्ण, जब आज आप वापस चले गए हैं तो मेरे पास भी कोई शक्ति नहीं बची है। और फिर वो कृष्ण को कहता है, कृष्ण जब मैं आपकी बातचीत को याद करता हूँ, कैसे आपने हमको गीता का उपदेश दिया, जब आपके मुस्कुराते चेहरे को मैं याद करता हूँ, तब क्या होता है, मेरा शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है और मैं पूर्ण रूप से गदगद हो जाता हूँ। हाँ, और भगवान होते हुए भी मेरे द्वारा किए हुए अपराधों को आपने सहन किया। तो उसको भी वो एक श्लोक में कहता है, शय्यासनातन विकतन्न भोजनादिषु एक्याद वयस्यतवान इति विप्रलब्धा सख्यु सखे पितृवत तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेर अघम में। तो कुमतेर अघम में, मैं कुमती हूं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। कैसे, क्या पाप किए हैं? जब हम लोग सो रहे थे, हाँ तो मैं सोता था, आप भी बगल में सो जाते थे। जब मैं बैठता था, आप भी बैठ जाते थे। जब मैं भोजन करता था, आप भी साथ में भोजन करते थे। हाँ, तो इस तरह से मैंने कई बार आपको डांटा है अपने मित्रता के कारण, कई बार आपका मजाक बनाया है, सख्यु सक्कवन पितरवत, लेकिन आप हमेशा एक पिता की तरह या एक मित्र की तरह मेरे द्वारा किए हुए अपराधों को आपने क्या किया है, क्षमा किया है, उनको सहन किया है। तो भगवान, मैं इन सब चीजों को कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन वही अर्जुन जिसने इतने बड़े बड़े लोगों को हराया है, बड़े बड़े लोग उसका बाल का बांका नहीं कर पाए, आज कुछ साधारण से ग्वालियरों से हरा दिया, कितने आश्चर्य की बात है। और फिर वो कहता है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, तवे धनुस्ता इसवा सारथो हयास्ते सोहम रथी निपतयो यत आनमंती सर्वम क्षणे न तब अभूत असत ईश रिक्तम भस्मन हुतम हुकहाराधम एवोक्तम ऊष्याम। तो कहता कि मैं वही अर्जुन हूं, तवे धनुस्त ईसवा सरथियो हयस्त, और मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर हैं, वही रथ है, हया वही घोड़े हैं, पर इन सब के होने के बावजूद ये सारी की सारी चीजें बेकार हो गई हैं। क्यों बेकार हो गई हैं? क्योंकि कृष्ण आज मेरे साथ नहीं है, कृष्ण भगवान हम वापस चले गए। तो वो किस तरह से है? वो उस तरह से है ना, जैसे भस्पम हुतम,
अगर कोई यज्ञ की अग्नि में घी डालता है तो यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन यज्ञ की राख में अगर घी डालता है तो घी बर्बाद हो जाता है, कुछ फायदा नहीं होता है। तो उसी तरह से ये सारी चीजें मेरे साथ हैं पर सब बेकार हैं। क्यों बेकार हैं? कृष्ण मेरे साथ नहीं है ना? या फिर ये किस तरह से है, कुहकराद्धम इवोक्तमूश्याम। जिस तरह से व्यक्ति अपने जादुई डंडे के साथ क्या करता है, पैसा बनाता है या पैसा दिखाता है, तो वो सब हाथ की सफाई है, इतना पैसा होता नहीं है। इतना पैसा होता है तो जादूगर जादू क्यों दिखाता? लेकिन जादूगर कभी कभी क्या करते हैं, अपने डंडे के द्वारा अपना हैट लेते हैं, ये डंडा घुमाते हैं, हैट पूरा पैसे से भर जाता है, लेकिन वो पैसा नहीं है, वो सब बेकार है, वो सब हाथ की सफाई है। तो उस तरह से वो जो पैसा दिख रहा है वो पैसा नहीं है, उसी तरह से ये सारी जो चीजें दिख रही हैं वो दिखने में लग रहा है कि मेरा घोड़ा है, मेरा रथ है, मेरा गांडीव धनुष है, मेरा तीर है, ये सब के सब बेकार हैं, क्योंकि तो कृष्ण मेरे साथ नहीं है। तीसरा बोलता है, उदाहरण देता है जो, वो है कि यदि व्यक्ति के पास कितने भी अच्छे बीज क्यों ना हो, अगर वो उसको बंजर जमीन में बोता है तो जी बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं, उनसे कभी पौधे नहीं निकलते हैं। उसी तरह से कृष्ण, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास जो है वो बीज जैसी हैं, किंतु अब आज मेरे साथ में नहीं है, तो ये पूरा का संसार, जो संसार है ये एक रेगिस्तान जैसा है, इसमें बीज बोने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो आप नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं, बेकार हैं। तो इस तरह से कृष्ण ब्राह्मणों के श्राप के कारण और मदरा पान के कारण सारे के सारे जो यदुकुल के लोग हैं वो सब के सब यहाँ से चले गए हैं, और आप भी चले गए, और आप चले गए हैं तो अभी क्या बचा हुआ है? तो फिर अर्जुन कहता है कि कृष्ण की इच्छा के कारण ही इस दुनिया में लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं या एक दूसरे को मारते हैं। तो ये सब कृष्ण के कारण ही हुआ है, होता है। तो ये बेसिकली कृष्ण, अर्जुन क्या कहता है, ये अर्जुन क्लैरिफाई करता है कि यदुकुल के जो लोग हैं उनकी इस तरह से मृत्यु कैसे हुई, तो उसको अर्जुन बताता है। तो ये कथा कई बार कुछ लोगों को नहीं पता है, और कई लोगों को पता होती है तो वो एकदम से कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि कृष्ण के भक्तों के साथ या कृष्ण के परिवारजनों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब कृष्ण देखते हैं कि मेरा सारा कार्य पूरा हो गया है, क्या कार्य पूरा हो गया है, व्रजवासियों के साथ मैंने अपनी लीला कर ली है 10 साल 7 महीने तक, और फिर जब कृष्ण मथुरा और द्वारका आते हैं तो वो सारे असुरों का नाश कर देते हैं मथुरा द्वारका में, और जो बहुत सारे दुष्ट राजा थे उनका अर्जुन और अन्य पांडवों के माध्यम से नाश कर देते हैं महाभारत के युद्ध में, और युधिष्ठिर महाराज को बैठा देते हैं कहां पर, राजगद्दी पे। तो सारे असुरों को मार के वो काम क्या पूरा कर देते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, सारे दुष्टों का नाश कर देते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठा कर, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उस सब जगह वैष्णव संप्रदाय की का स्थापन करते हैं, तो धर्म की स्थापना करते हैं इस तरह से भगवान कृष्ण। तो परित्राणाय साधुनाम, और अपनी लीलाओं के द्वारा साधुओं का उद्धार करते हैं, उनको अपनी लीलाएं दिखा के उनको अपनी एक धाम की ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, सारे राक्षसों को मार देते हैं। धर्म संस्थापना अर्थ है सारे सब जगह धर्म की स्थापना करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पर बैठा कर उनको पूरे संसार का सम्राट बना के। तो कृष्ण बोलते हैं मेरा सारा कार्य पूरा हो गया है। तो उसके बाद कृष्ण सोचते हैं कि मुझे भगवत धाम वापस चले जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि अगर मैं भगवत धाम वापस जाऊंगा तो यदुकुल के जो लोग हैं वो तो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए यमराज भी उनको नहीं मार सकते हैं। तो अगर मैं भगवत धाम चला जाऊंगा तो मेरे वियोग में सबके सब पागल हो जाएंगे, और पागल होने के कारण पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे ये यादव लोग जो कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो
इनको कोई मार नहीं सकता है और मैं मार नहीं सकता क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ, उन्हीं का भगवान हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए जिसके द्वारा यदुकुल के लोग एक दूसरे को मार दें और इस तरह से वो मेरे धाम मुझसे पहले वापस लौट के जाएं ताकि मेरे वियोग में ये पृथ्वी को नष्ट न कर दें। तो भगवान ये अरेंजमेंट करते हैं। तो भगवान अरेंजमेंट कैसे करते हैं कि पहले वो अपने पुत्रों को सबको कथा सुनाते हैं कैसे कि वैष्णवों और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे होने के कारण एक बार जब नारद मुनि और बड़े बड़े जो ऋषि थे वो वसुदेव से मिलने के लिए आते हैं, उनके घर में यज्ञ करते हैं, कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, बताते हैं कैसे कृष्ण भगवान है। और फिर एक पिंडारक नामक जगह में स्थान जो कि गुजरात में है वहां पर जाते हैं। और पिंडारक में जब ये लोग वहां पर थे तो यदुकुल के जो बच्चे थे वो उनसे मजाक करने के लिए जाते हैं। तो उस समय सांभाग्य करता है जो जामवंती और कृष्ण का पुत्र था वो एक स्त्री का भेष बना लेता है, तो अपने पेट में गदा रख लेता है जैसे लगता है कोई बच्चा हो, और बाकी लोग उसको इस तरह से स्त्री बनाकर नारद मुनि इत्यादि जो भी ऋषि करते हैं उनके पास लेके आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिगण, ये स्त्री है किंतु स्त्री होने के कारण ये बहुत लज्जित है, तो ये जानना चाहती है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो पुरुष है या स्त्री है, मतलब वो लड़का है या लड़की है। तो नारद मुनि और ऋषिगण सबके सब समझ जाते हैं कि वो क्या है, और वो प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वो लोग उनका मजाक उड़ा सकें। कि अगर वो नारद मुनि कहेंगे कि लड़का है तो देखा लड़का भी नहीं है, लड़की बोलेंगे तो लड़की नहीं है, और बोलेंगे कि हमको पता नहीं है तो बोलेंगे भाई आप कैसे ऋषि हैं आपको पता नहीं है, तो उनका मजाक उड़ाने को मिलेगा। तो ये सोच के बच्चे लोग उनके पास जाते हैं और फिर नारद मुनि और ऋषिगण वो भी कृष्ण का मंतव समझे हुए थे, उनको मालूम था कि कृष्ण चाहते हैं कि ये लोग भगवत धाम वापस आए। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि इस स्त्री के पेट में एक लोहे की गदा है जो कि सारे के सारे यदुकुल का नाश करने वाली है। और जब वो लोग ये सुनते हैं तो कांपने लगते हैं, और फिर जब वो लोग साड़ी खोलते हैं तो उसमें से गदा गिरती है, और ऋषिगढ़ तो वहां से श्राप देके चले जाते हैं। किंतु ये बालकों को लगता है कि अभी क्या किया जाए, और उनको पता था अगर कृष्ण के पास वापस जाएंगे तो कृष्ण से डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि तो कृष्ण अभी अभी सबको उपदेश देके गए थे कि ब्राह्मणों को और वैष्णवों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और कृष्ण बोल के गए इन्होंने अपमान कर दिया। तो ये सारे के सारे बच्चे जाते हैं उग्रसेन के पास और उग्र के सेन के सामने ये गदा को रखते हैं, और उस समय किसी कारण से वश कृष्ण द्वारका के बाहर थे। तो सारे के सारे जो वहां पे उपस्थित लोग थे सब उस गदा को देख के भयभीत हो जाते हैं, और भय के कारण फिर वो विचार विमर्श करते हैं कि गदा का क्या किया जाए। तो उनके मन में एक आइडिया आता है और उग्रसेन एक सैनिक को आदेश देते हैं कि आप जाइए और गदा को घिस घिस के पाउडर बना दीजिए। तो सो उसको घिस घिस के पाउडर बनाता है और उसमें से एक थोड़ी सी पत्ती बचती है जिसको पानी में फेंक देता है। उसको बाद में एक मछली निगल लेती है, मछली को एक बहेलिया पकड़ लेता है, और वो बहेलिया जब उस मछली को मारता है उसके पेट में से जो एक लोहे का टुकड़ा निकलता है उसको अपने तीर में लगाता है, और जो ये पाउडर था ये सबका सब समुद्र में जाके उसमें से बड़े बड़ी छड़ें निकल आती हैं जो कि बहुत शक्तिशाली थी। और बाद में श्राद्ध करने के बहाने
या श्राद्ध करने के बाद इसी स्थान पे सारे के सारे जो यदुकुल के लोग थे वो वहां पर इकट्ठे होते हैं, और जैसे कि क्षत्रियों को कभी कभी अलाउ था कि कभी कभी वो लोग मदिरा पान कर सकते थे, और कभी कभी यज्ञ में चढ़ाया हुआ जो पशु है उसको भक्षण कर सकते थे, उसको खा सकते थे, ये कभी कभी अलाउ था, तो वो लोग मदिरा पान कर लेते हैं। और मदिरा पान करने के कारण सबके सब पूर्ण रूप से मदमत्त होके एक दूसरे पर लोहे की छड़ों को वहां से उखाड़ कर, तो वो जो लोहे के पाउडर था उसमें से छड़े निकल आती हैं, उसको उखाड़ कर उन छड़ों को एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, और इस तरह से पूरे के पूरे यदुकुल का नाश हो जाता है। तो ये सुनकर कई लोग बार लोग अचंभित हो जाते हैं, किंतु यही तरीका था उन सबको भगवत धाम वापस भेजने का, क्योंकि वो एक दूसरे को मार सकते थे, कोई भी देवतागण यमराज भी उनको नहीं मार सकते थे, बल्कि ब्रह्मा जी के अंदर भी शक्ति नहीं थी यदुकुल के लोगों को मारने की, क्योंकि वो कृष्ण के पार्षद हैं। तो कृष्ण ने क्या अरेंजमेंट किया कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं, और वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं जब तक वो होश में होंगे। हाँ, अगर मान लीजिए वो लोग मदरा पाने का अगर मदमत्त हो जाते हैं तो एक दूसरे को मार सकते हैं, तो इस तरह से वो लोग मदरा का के नशे में एक दूसरे को मारते हैं और सबके सब भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो वो सुन के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए अर्जुन यहाँ पर एक सब बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि हे भगवान, आपके कारण ही लोग एक दूसरे को मारते हैं, आपके कारण ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो मतलब क्या है, यादवों ने एक दूसरे को मारा वो किस कारण, कृष्ण की इच्छा के कारण। आपके कारण ही एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। जिस तरह से बड़े बड़े जो शक्तिशाली यदु लोग थे उन्हें कमजोरों को मारा, उनमें से भी कुछ शक्तिशाली थे उन्होंने और मारा, इस तरह से पूरा यदुकुल का नाश हो गया। तो अर्जुन बोलता है ये सब सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है, किंतु आपने जो भगवद गीता के उपदेश दिए थे उनको सुनकर आज मुझे सांत्वना मिल रही है, क्योंकि मुझे पता है ये सब के सब लोग कहाँ गए हैं, आपके धाम वापस गए। तो इस तरह से अर्जुन प्रार्थना करता है, और इस तरह से कृष्ण भी अरेंजमेंट करके भगवत धाम वापस जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके बाद जब सारे के सारे यदुकुल के लोग भगवत धाम वापस चले जाते हैं, तो फिर कृष्ण उद्धव को बुलाते हैं और उद्धव को उपदेश देते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। और उद्धव को कहते हैं कि मैं सब जगह गया हूं किंतु बद्री का आश्रम नहीं गया हूं। तो बद्री का आश्रम में बहुत सारे ऋषिगण मेरी तपस्या कर रहे हैं, और क्योंकि मैं उनको मिल नहीं पाया तो मैं उनको उपदेश नहीं दे पाया, तो मैं आपको कुछ उपदेश दे रहा हूं, वो आपको जाकर बद्रिका आश्रम में जाकर उन साधु संन्यासों को जाकर बोलिए। इस तरह से उद्धव को भेज देते हैं। फिर क्या होता है, एक बहलिया जो था जिसने वो लोहे के टुकड़े के लेकर अपने तीर में लगाया था जिसका नाम था जरा, तो जरा उसको लगता है कि कोई हिरण पानी पी रहा है, कृष्ण के शरण एकदम लाल लाल दिखते हैं, तो उनको हिरण का मुंह समझ के वो क्या करता है, उस पर निशाना साधता है, और वो तीर जाके कृष्ण के पैर पे लगता है, लेकिन कृष्ण का शरीर किसका बना है, सत चित आनंद का बना हुआ है, तो वो तीर उसको पार कर जाता है। और दूसरा बात क्या है कि अगर किसी के पैर में तीर लगता है तो कोई मरता नहीं है, लेकिन क्या हुआ उस समय जब बहलिया ने देखा कि कृष्ण के ऊपर मैंने हमला किया है, तो वो आके कृष्ण से क्षमा मांगता है, और कृष्ण बोलते हैं चिंता मत करो, ये मेरा ही एक अरेंजमेंट है। बल्कि कई पुराणों में बताया गया है कि वो बहलिया पूर्व जन्म में बाली था, सुग्रीव का भाई, और क्योंकि भगवान राम ने पीछे से हमला करके उसको मारा था, तो उसकी भी इच्छा थी कि भगवान राम से प्रेम तो है किंतु जो उन्होंने किया अच्छा नहीं किया, इसका मुझे बदला लेना है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं और वो अगले जन्म में जरा बन के आता है। दूसरे तो जरा उनके पैरों पे हमला करता है, और फिर कृष्ण उसको भगवत धाम वापस भेज देते हैं कि तुमने अपनी सेवा कर ली, तुम्हारी सारी इच्छा यहाँ पूरी हो गई, अब भगवान के धाम वापस जाओ। तो वो भगवान के धाम वापस चला जाता है।
और फिर कृष्ण संघ चक्र गदापद में जो अपने उनके अस्त्र शस्त्र थे उनको भगवत धाम वापस भेजते हैं, और फिर स्वयं वो भगवत धाम वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ नास्तिक लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो अपना एक माया शरीर यहाँ पे छोड़ जाते हैं और अपने धाम वापस चले जाते हैं। तो जब वो वापस जाते हैं तो देवतागण इत्यादि सब उनकी स्तुति करते हैं और वो सबको छोड़ते हुए भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण अपनी लीलाओं को इस संसार में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि अरे कृष्ण भी साधारण व्यक्ति के रूप में मरे, तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति पहली बात तो पैर में तीर लगने से मरता नहीं है, दूसरा बात उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की जैसे हमने बताया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि आप रानियों को वसुदेव देवी को लेकर हस्तिनापुर लेके जाइए, तो अर्जुन उनको लेके जाता है शंख चक्र गदा पद्म और रथ इत्यादि को अपने आयुधों को वो अपने धाम वापस भेज देते हैं, और जरा स्वयं उसका उद्धार हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण भगवत धाम जाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे तो फिर कृष्ण का शरीर यहाँ पर कैसे छूट गया, तो कृष्ण ने वो किया सबको भ्रमित करने के लिए, और उसका एक प्रूफ है। प्रूफ क्या है, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो स्वयं उनका आध्यात्मिक शरीर है, तो उन्होंने कभी शरीर छोड़ा नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए मीराबाई, तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, उनका शरीर भी आध्यात्मिक था। वो जाके द्वारकाधीश के शरीर में प्रवेश करती है, उनकी जो द्वारकाधीश की ड्यूटी है उसमें प्रवेश करती है। तो ये मीराबाई के साथ हुआ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो वो कहाँ पे प्रवेश करते हैं, वो जगन्नाथपुरी में जो टोटा गोपीनाथ आते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं वो जाकर एक चक्र में धाम में बांकर आए हैं, तो बांकर आए में प्रवेश करते हैं। उसके अलावा हमारे आचार्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, उनका भी शरीर आध्यात्मिक था, तो उनके आखिरी समय में जब उनका शिष्य उनके शरीर को मसाज कर रहा था तो वो दूध बन के उसमें चले जाते हैं, गंगा में चले जाते हैं। तो इन सब लोगों की किसी की समाधि नहीं है, क्योंकि उनका शरीर कैसा था, आध्यात्मिक था। उसी तरह स्त्री संप्रदाय में एक अलवर हैं जो कि एक स्त्री हैं, उनका नाम था गोदा देवी, या फिर उनको आंडाल भी कहा जाता है। तो उन्होंने भी रंगनाथ के शरीर में प्रवेश किया। तो इन सब से सिद्ध होता है कि जिसका शरीर सच्चिदानंद का बना हुआ है वो अपना शरीर छोड़ के नहीं जाता है। सारी गोपियां गोपी तालाब जो कि गुजरात में है उसमें प्रवेश करके वो अंतर्धान हो गई। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो भगवान के भक्त हैं इनका शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, इसलिए वो शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं। और जब वो शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं तो कृष्ण स्वयं अपना शरीर के छोड़ के कैसे जा सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए कृष्ण मात्र नास्तिक लोगों को, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनको भरोसा देने के लिए अपना भौतिक शरीर छोड़ के भगवत धाम वापस जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवत धाम वापस जाते हैं, और उसके बाद में अर्जुन के मन में क्या क्या भाव आते हैं, जो कि 28 नंबर श्लोक से आता है, 28 से, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। गंधरा श्रीमद भागवतम की, श्री गोपाल की जय।